हेलो एवरीवन, क्या आपका बेबी भी कॉन्स्टिपेशन से परेशान है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। आज हम आपको बताएंगे बच्चों की कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक करना है। जनरली बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं खाने की वजह से होती है या फिर कुछ अटपटा खाने की वजह से, तो आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी रेसिपी लेकर आए हैं। इसका नाम है हरी भरी खिचड़ी। ये आप 6 महीने से लेकर ऊपर किसी भी उम्र के बच्चों को दे सकती हैं। इसमें हमने यूज़ किया स्पिनच जो कि होता है पालक, इसके अलावा हमने इस्तेमाल किया मटर जो होता है पीस, इसके अलावा हमने इस्तेमाल किया है मूंग की दाल। ये सब बहुत ही फाइब्रस फूड होते हैं और बहुत ही रिच होते हैं न्यूट्रिशन से। तो आज झटपट इसकी रेसिपी देखते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर 6 महीने से 12 महीने की शिशु है तो उनको छान के दें, उसके ऊपर आप उन्हें ऐसे ही मैश करके दे सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएँ। अगर मेरा चैनल बार बार देखना चाहती हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएँ। अगर आप कोई अपडेट चाहती हैं, मिस नहीं हो, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं और देखते रहें मॉमिस प्लांट इंडिया। तो चलिए फटाफट अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 4 चीज़ें, मूंग की दाल, इसके अलावा लेंगे बॉयल्ड राइस, ये सारी चीज़ें हमने 1 चम्मच ली हैं, इसके अलावा पालक काटी हुई, इसके अलावा मटर। पालक और मटर को नहीं उबालना है क्योंकि ऑलरेडी हम इसे उबालेंगे। इसके अलावा हम लेंगे घी, थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी। अब देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले जो बाउल हम लेंगे उसमें हमने जो अनाज लिया है उस दोनों अनाज को, मूंग की दाल और चावल को रख लेंगे और अच्छे से कम 2 बार पानी से ज़रूर धोएं, क्योंकि ये दालें बहुत पॉलिश वाली होती हैं। जब 2 बार हम धोते हैं तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। कुछ इस तरह उनको मसल मसल के आप 2 बार ज़रूर धोएं। इसके बाद आप क्या करें, इनको छान लें और जो हमने सब्जियां कटी रखी हुई हैं जैसे ये हरी मटर और पालक, उन सबको हमें इसमें डाल देना है। ये सब खिचड़ी के साथ बॉयल्ड होंगे इसलिए हमने इन्हें पहले से बॉयल नहीं किया है। ये रहा पालक, ये रहा मटर, हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने अंदाज से रखिए क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा पतला देना है, बड़े हैं तो थोड़ा गाढ़ा देना है, तो आपको इस अनुसार पानी रखना है। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी नमक, ये नमक स्वाद अनुसार आप डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी घी। घी से क्या होता है, थोड़ा टेस्ट आता है और बच्चों को ये टेस्टी लगता है, तो इसलिए आप घी ज़रूर रखें। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी जैसा कि मैंने पहले कहा, स्वाद अनुसार, जो देखने में भी अच्छा लगे, बच्चों को खाने में अच्छा लगे, हल्दी डालना है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इन सबको हमें कुकर में डालना है। घी इस्तेमाल करने के पीछे एक ये भी वजह है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन में भी काफ़ी राहत मिलती है, तो बच्चों को थोड़ी अमाउंट में घी और तेल देना बिल्कुल ही हानिकारक नहीं होता। तो कुछ इस तरह आप इसे कुकर में डाल लेंगे और कम से कम 3 सीटी तक इसे पकने देंगे, क्योंकि हमें इसे बच्चों को अच्छे से मैश करके देना है ताकि जो पालक की पत्तियां हैं वो उनके गले में ना अटके। छोटे बच्चे अगर होंगे 6 महीने से साल भर के तो उनको आप छन्नी में बनने के बाद छान के देंगे। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप उनको कुछ इस तरह जैसे वो बन जाए तो उनको अच्छे से मिला के आप उनको सर्व कर सकती हैं। तो देखिए ये हमारा खिचड़ी तैयार है। आप कुछ इस तरह बच्चों को बना के खिलाएं। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहती हूँ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन में बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि मैंने ये खुद ट्राई किया, मैंने इसके यूज़ करके फ़र्क देखा है। तो ये रही हरी भरी खिचड़ी। एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, अगर वीडियो पसंद आए, आपके बच्चे को फ़ायदा करे तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। कोई भी सुझाव हो, कुछ भी पूछना चाहती हूँ, मेरी ईमेल आईडी पे लिख सकती हैं और देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।